गुड मॉर्निंग रिया। बायोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको खत्म कर देना, हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि छूट जाएगा तो हमेशा के लिए वो छूट ही जाएगा। अगर वो छूट गया तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। हमने इतना कर लिया है तो आगे भी हम लोग खत्म कर देते हैं, है ना? यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम लोग को आगे करना है। बाकी मेरे समझ से आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा, पढ़ाई चल रही होगी, है ना? तो हम लोग गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हम लोग क्लास 9th का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज इसमें दिया हुआ है बच्चा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पता होगा तभी आप क्वेश्चन में, तभी आप एग्जाम में आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको डीपली पढ़ रहे हैं फ्रॉम द रेफरेंस बुक, दैट इज एस चांद। रेफरेंस बुक के थ्रू हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आपको भी अच्छे से समझ कर इसको करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर हम लोग को पता चल चुका है भाई मैकेनिज्म की बात कर रहा है। किस चीज के मैकेनिज्म की बात कर रहा है? तो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहा है। हम लोग अपने क्रॉप वैरायटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि देखो, तुम एक क्रॉप जो होता है आपका, सीड्स की बात करें तो एक सीड्स आपका, या फिर हम ऐसा ही ले लेते हैं अगर वीट की बात करें तो एक वीट आपका कहीं पर 20 रुपये किलो भी है पर केजी, और कहीं पर उसी तरह का वीट 40 रुपीज पर केजी है। आखिर दोनों में फर्क कुछ तो होगा, उनके क्रॉप में सीड्स में कोई तो फर्क होगा, तभी एक 20 रुपये किलो और दूसरा 40 रुपये किलो है, तो दोनों गेहूं ही। तो इसके पीछे आपका क्या है? दैट इज द वेराइटी इम्प्रूवमेंट, और दैट इम्प्रूवमेंट जो होता है दैट इज फ्रॉम मैनिपुलेशन। व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेट करना का क्या मतलब होता है भाई? मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मैनिपुलेशन? नहीं पता। मैनिपुलेशन का मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है ना? यहां से लिए, वहां से लिए, जैसे तैसे करके कोई नया चीज जनरेट कर देना को मैनिपुलेशन कहते हैं। आप उसमें कोई किसी तरह का कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता है, आपको बस अच्छा चीज का आउटपुट लाना पड़ता है, चाहे आप जैसे लेकर आओ, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो इसमें हम लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ना, अलग अलग चीज को, अलग अलग चीज को बस मिक्सअप करते हैं, और किसी भी तरीके से हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो है क्या करें, न्यू वैरायटी कहीं ना कहीं से ऑप्टेन कर लें, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो क्या क्या तरीका भाई? तो सबसे पहला चीज कहता है कि डीएनए होता है, जितना भी आपका क्रॉप होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन सब में आपका डीएनए होता है, उनका अपना एक डीएनए होता है। हम उस डीएनए को क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उस डीएनए को मैनिपुलेट करने के बाद ही आपका नया आर्टिफिशियल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। द प्लांट ब्रीडिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी और स्ट्रेन्स बाई ए प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल सेलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, किसको किसके साथ मिलाएं, और उसके एक बेस पर हम लोग नया क्रॉप्स का क्या करते हैं भाई? प्रोडक्शन करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग मेथड और टेक्निक्स किसी न किसी तरीके से हम लोग जब करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको बोल देना है कि मैनिपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ देयर डीएनए फॉर्म्स ए न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन ए न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सीड्स। अलग अलग सीड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं भाई? डिफरेंट टाइप का, अलग सीड्स का यूज करके हम लोग एक नया वेराइटी ऑप्टेन करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आप भी सुने होंगे हाइब्रिड सीड्स है। आप देखोगे कि एक
नॉर्मल अगर आप कोई पौधा लगाते हो तो उसमें अगर 4 फल लगते हैं, और हाइब्रिड अगर आप लगाते हो तो उसमें 40 फल लग जाते हैं। सब कुछ सेम है, सब कुछ बराबर है, उसके बावजूद भी आउटपुट प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, दिस रिफर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कल्टिवेशन टू द प्लेस वेयर दे वर नेवर ग्रो अर्लियर, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस टू द न्यू रीजन। इंट्रोडक्शन का मतलब, जब कोई नया प्लांट्स आपका फॉर्म होता है, नया प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। नया प्लांट जब इंट्रोड्यूस होता है, और द एडजस्टमेंट, यह ध्यान रखिएगा, ऑफ सच प्लांट्स टू देयर न्यू रीजन्स इज कॉल्ड एक्लिमेटिजाइजेशन। मतलब कि इस तरह का जो प्लांट्स है, इस प्लांट्स को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, उसको हम लोग कहते हैं एक्लिमेटिजाइजेशन, एक्लिमेटिजेशन, ठीक है ना। उसके बाद आता है सिलेक्शन का। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ऑफ स्प्रिंग। जैसे मान लो, ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो आप नया वेराइटी आप लेकर आए, नया वेराइटी जो लेकर आया है उसको आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर आप भेजते हो। पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे प्लांट्स जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं। अब उन सारे प्लांट्स में से आपका सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन किसका किया जाता है भाई? सिलेक्शन उसका किया जाता है जो अच्छे क्वालिटी का होता है। जैसे आम का सिलेक्शन आप देखोगे, मार्केट में आम के कई प्रजाति हैं, दैट इज सिलेक्टेड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो सबसे अच्छा होगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। जिस सिलेक्शन भी दो तरह का हो सकता है, एक मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन मतलब एक बार में बहुत सारा सिलेक्शन हो जाए। मास सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक बार में जब बहुत सारा सिलेक्शन होता है उसको हम लोग मास सिलेक्शन कहते हैं। और एक प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट्स, आप पर्टिकुलर प्लांट्स को आप देखिए, उसके कैरेक्टर का स्टडी कीजिए, और उसके बाद जाकर जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर लाइन सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्योर लाइन सिलेक्शन। तो सीड्स फ्रॉम ए सिंगल प्लांट्स हैविंग द डिजायरेबल ट्रेट्स इट्स शोन इन सेपरेट रो टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग। इसमें आपका सेपरेट ऑफ स्प्रिंग को क्या किया जाता है भाई, सिलेक्शन किया जाता है। सेक्रेट, बिल्कुल एकदम से क्या, तो सेपरेट, ठीक है ना। तो दैट इज प्योर लाइन। और लास्ट में आता हाइब्रिडाइजेशन। तो द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस ए न्यू काइंड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि दो अलग अलग पौधा है, ये मान लो दो, ये अलग वेराइटी है, ये अलग वेराइटी है, और इन दोनों वेराइटी को मिक्स करके एक तीसरा वेराइटी जो बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज में ध्यान रखना कि ये जो तीसरा जो बनता है बच्चा, ये दोनों से अलग होगा। दूसरी चीज, ये दोनों प्लांट जो है ना, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप जितना भी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ना प्लांट्स में, दे ऑल आर डिफरेंट, दे ऑल आर मोर स्ट्रोंगर, दे ऑल आर मोर प्रोडक्टिव। जितना भी हाइब्रिड सीड्स देखोगे, जितना भी, उनका अलग कैरेक्टर होगा, अपने पेरेंट सेल से अलग कैरेक्टर होगा। इसको अगर हम अपने लाइफ से जोड़कर देखते हैं, तो आप देखो, जब भी शादी होती है तो दो अलग अलग अननोन पर्सन की शादी होती है हमारी। जब जिससे भी शादी होती है, जब भी शादी होती है, तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों से शादी होती है जो कि आपका क्या होता है भाई, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तभी तो जो बच्चे जन्म लेंगे, वो बच्चे कैसे जन्म लेंगे भाई, तो बिल्कुल डिफरेंट हाइब्रिड बच्चा जन्म लेगा। इससे क्या होगा भाई, तो ज्यादा पावरफुल होगा, उसमें बीमारी से लड़ने की ताकत ज्यादा होगी, है ना। और जिन लोगों में आपस में अगर शादी हो जाती है, अगर भाई बहन शादी कर लेता है, इसका मतलब है कि उनका जेनेटिक जो है ना, वही चलता आ रहा है जो पहले से चलता आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है
हमेशा ये हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी शादी शादी हो वो ऐसे लोगों के साथ हो जो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो। एकदम से आपका क्या होगा, इंटरब्रीडिंग होगा, जिसके बाद जो नया जन्म लेगा दैट इज हाइब्रिड। और इसीलिए हम लोग अलग अलग लोगों की शादी, अननोन पर्सन की शादी कराते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से प्लांट्स भी आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है बच्चा। प्लांट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो जो नया प्लांट्स जन्म लेगा वो 100% हाइब्रिड होगा। आप देखोगे गाय में भी जब हम लोग हाइब्रिड कराते हैं भाई, तो हाइब्रिड कराते हैं तो उसका नाम है जर्सी। आप देखिए एक देहाती गाय जो होती है वो आपका मैक्सिमम कितना दूध कर सकती है भाई। एक देहाती गाय जो है मैक्सिमम आपका 2 से 3 किलो, 4 किलो, लेकिन एक जर्सी गाय 20-20 किलो दूध कर देती है। ये कहाँ से फर्क आता भाई, तो देयर हाइब्रिड सीड्स के कारण ये फर्क आता है, ठीक है ना। क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग आपको पता होगा भाई, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता भाई, तो दो अलग अलग वेरायटी, मान लो एक वेरायटी एक्स है और एक वेरायटी वाई है, दो अलग अलग वेरायटी हुआ, और इन दोनों वेरायटी को जब हम मिलाते हैं, इन दोनों वैरायटी को जब हम मिलाते हैं तो एक्स वाई का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड या फिर इंटर क्रॉस। क्लियर हुआ क्या? दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड और इंटर क्रॉस। चलिए नेक्स्ट। ये सब जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट तो पढ़ा चुके थे ना। अरे वाह, ये सब तो पढ़ा दिए थे। इसे तो पढ़ाया हुआ है, बताना ना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री से बचा हुआ है, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या हुआ भाई, तो जब हम लोग जानवर पालते हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जानवर को पाल कर जब हम उससे बेनिफिट लेते हैं दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। कौन कौन सा जानवर हम लोग पालते हैं भाई, तो हम लोग कैटल पालते हैं जिसमें आपका काऊ बुल और ऑक्स आता है। इसके अलावा बुफेलो, याक, हॉर्स, आस, गॉट, शीप, कैमल, ये अलग अलग टाइप का जानवर पालते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि हम उसी जानवर को पालते हैं जिससे हम लोगों को किसी न किसी तरह का कुछ बेनिफिट हो, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। कुत्ता पालना एनिमल हस्बेंड्री में नहीं आता है। आप ये मत सोचिएगा कि आप कुत्ता पाल रहे हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कुत्ता पालना एनिमल हस्बेंड्री में नहीं आता है क्योंकि उसका यूज हम कभी किसी चीज में नहीं करते हैं, अपने बेनिफिट में यूज नहीं करते, ना उसका मांस खाने में करते हैं, ना कुछ ऐसा वो करता है जिसके कारण हम उसको एनिमल हस्बेंड्री में डालें। अलग बात है कि अब धीरे धीरे उसका भी जमाना बदल रहा है, और जमाना बदलने का मतलब क्या है भाई, तो उसमें भी आप देखोगे कि नए नए ब्रीड्स आने शुरू हो गए और उसका भी बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो कैटल फार्मिंग में क्या क्या आ गया भाई, तो ये अलग अलग पोल्ट्री हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, बी कीपिंग हो गया। कैटल फार्मिंग की अगर बात करें तो अलग अलग टाइप का जानवर जो है कैटल ब्रीड, वो अलग अलग जगह पर आपका डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि ये आपका कैटल ब्रीड है गीर, बहुत अच्छा ब्रीड है जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है ना। साहिवाल जो आपका पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसका दूध देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कहता है साहिवाल करीब 50 लीटर तक दूध कर सकता है। रेड सिंधी, इसका भी
बहुत अच्छा कैपेसिटी है, दियोनी जो आंध्र प्रदेश में होता है इसका भी बहुत अच्छा कैपेसिटी है। तो अलग अलग स्टेट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो अलग अलग मिल्क कैपेसिटी हो, दे ऑल आर हाइब्रिड एनिमल्स जिसको हम लोग पालते हैं और दूध बेचते हैं। यहाँ पर देखो जर्सी जो है ना, जर्सी कहीं लिखा हुआ नहीं है क्योंकि जर्सी से ये सारे के सारे ज्यादा अच्छे कैटेगरी में आता है। पलक क्या बात है, बहुत एब्सेंट क्यों थी? अपसेट क्यों? तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गया, ये सबके सब मिल्क देने वाले से थी है, कैटल है, गीर साहिबाल रेड सिंधी और दियोनी, ये सबके सब दूध देने वाले जानवर है ना। और दूध कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो आपका दूध नहीं देते हैं, है ना, जो ड्राउट ब्रीड्स है, सूखे जगह पे जो होते हैं, जैसे मालवी, अच्छा ये सब भी दूध देते हैं लेकिन ये आपका सूखे जगह पर होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मालवी, नागेरी, हलिकर, कंगनयम, ये अलग अलग दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश में आपका नागेरी भी होता है। और एक जनरल यूटिलिटी ब्रीड है जैसे कि ओंगोल, कंकरेज और थारपकर, ये आपका यू कैन पे बाई फोन पे, यू कैन पे बाई फोन पे, इफ यू वॉन्ट टू पे योर फीस यू कैन पे बाई फोन पे, फोन पे के थ्रू आप है जो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका अलग अलग ब्रीड हुआ। तो ड्राउट ब्रीड्स, ड्राउट ब्रीड्स में क्या आता है, देयर मीट इज टफ एंड दे गिव लिटिल मिल्क, ऐसे जानवर जो दूध कम करते हैं और उनका मीट जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, हेंस दे आर यूज्ड एज बेस्ट ऑफ बर्डन इन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज टीलिंग। ऐसे जानवर जो है हम लोग की तरफ जो गाय बैल होता है, बच्चा गाय बैल में आप देखोगे क्या कि वो सब क्या करता है भाई, तो गाय और बैल जो होता है आपका हमारे यहाँ जो होता है, बैल का यूज कहाँ किया जाता है भाई, तो खेती करने के लिए किया जाता है। ये हो गया ड्राउट ब्रीड्स, जो आपका खेती करने के लिए यूज किया जाए उसको हम लोग ड्राउट ब्रीड्स कहते हैं। फिर आता है डेयरी ब्रीड्स, दे हैव लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड स्पेसियस अदर बिकॉज एज मच एज पॉसिबल ऑफ द फूड दे कंज्यूम मस्ट बी टर्न इन टू द मिल्क। डेयरी ब्रीड्स वो होते हैं जो थोड़ा सा देखने में लंबे चौड़े होते हैं, जिनका खाना ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा खाना खाएगा उतना ज्यादा दूध देगा, है ना, ऐसे ब्रीड्स को कहते हैं डेयरी ब्रीड्स। फिर आता है ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, ऐसे ब्रीड्स जो आपका मांस के लिए भी यूज किया जाता है और दूध के लिए भी यूज किया जाता है। दीज ब्रीड्स प्रोवाइड मिल्क एज वेल एज हेल्प इन एग्रीकल्चरल टास्क इन इंडिया। ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स आर फेवर्ड बाय द फार्मर्स बिकॉज इन दिस ब्रीड्स एज द काउ आर फेयरली गुड मिल्क एल्डर एंड द बुलक्स गुड फॉर ट्राउट वर्क, मतलब गाय जो है दूध भी देगी और बैल जो है आपका खेती भी करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग देखते क्या है कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल होती है उसको हम लोग मिल्च एनिमल कहते हैं या फिर डेयरी एनिमल कहते हैं। देखो ये जो है ना मुर्रा, एक मुर्रा का दाम करीब 1,00,000 रुपया होता है, और अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखे थे क्या एक भैंसे मेल बुफेलो का दाम जो था ना वो आपका 1,00,00,000 रुपया है, मेल बुफेलो का दाम। हरियाणा में एक बुफेलो है, हरियाणा में बुफेलो है जिसका दाम 1,00,00,000 रुपया है, सोचिए। तो ये मुर्रा जो होता है बहुत ज्यादा 100-100 लीटर तक दूध कर सकता है, मेहसाना हो गया, सरफी हो गया, और काऊ में आपका रेड सिंधी, साहिवाल और गिर बहुत ज्यादा दूध करती है ना। ये हो गया रेड सिंधी, द काऊ इज मीडियम इन साइज एंड रेड इन कलर विथ डार्क एंड लाइट रेड शेड्स, ठीक है ना, दिस इज रेड सिंधी। साहिवाल जो होता है, दिस ब्रीड इज काऊ इज सुपीरियर टू अदर डेयरी काऊ, साहिवाल, द एनिमल इज ए लार्ज एंड हैवियर बिल्ड, ये हैवी बना हुआ होता है और दूध बहुत ज्यादा करता है,
जो गिर है नेटिव ब्रीड इज गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, दिस काउ इज मीडियम साइज फेयरली गुड मिल्क एल्डर। तो ये अलग अलग जानवर है जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा भाई, तो दैट इज साहिवाल, बहुत खाती भी है और बहुत ज्यादा दूध भी करती है ना। रेड सिंधी आप देख लिए, दिस इज साहिवाल काउ, ये साहिवाल काउ है जो आपका बहुत ज्यादा दूध करती है, जो हरियाणा में पाया जाता है। अगर बुफेलो की बात करें तो ग्रेट ब्रीड, अच्छा ग्रेट ब्रीड ऑफ काउ हो गया। मुर्रा देख लीजिए, मुर्रा के बारे में, दिस इज ये भैंस का है, बुफेलो का प्रजाति है, ये बुफेलो का प्रजाति है भाई मुर्रा। दिस इज ओरिजिनल ब्रीड ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, दिस ब्रीड हैज मैसिव बॉडी, शॉर्ट एंड टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स, एडल्ट फीमेल वेट 430 से 500 किलो तक इसका वजन होता है, और जो मेल होता है उसका 550 से 600 किलोग्राम तक वजन होता है। ड्यूरिंग इट्स लोकेशन पीरियड इट्स एवरेज इल्ड मिल्क इज 1800 to 2500 लीटर विथ फैट कंटेंट अप टू 7%। अब सोच लीजिए कि ये महीना में एवरेज मिल्क जो देती है ना, करीब करीब 1800 से 2500 लीटर दूध करती है पर मंथ। अब सोच लीजिए कि ये कितना बढ़िया ब्रीड है। आप लोग जो डेयरी में दूध पीते हैं ना, आप मदर डेयरी और कौन कौन सा है, उस डेयरी में जो दूध आता है बच्चा, वो दूध ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ गाय का होता है, उसमें भैंस का भी दूध मिला हुआ होता है ना। तो इतना जो दूध होता है इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज आपका अलग अलग मिल्क से जो कुछ भी फॉर्म होता है उन सब में किया जाता है, और नहीं तो आपका डेयरी में इसको भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक और चीज देखना, फैट कंटेंट अप टू 7%, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा क्या इसका क्या मतलब है, फैट कंटेंट अप टू 7% का क्या मतलब है, देखते हैं कौन बताता है, लॉजिकल आंसर देना, लॉजिकल आंसर, ये मत कर देना सर फैट 7%, इसका क्या मतलब निकलता है फैट कंटेंट अप टू 7%। चलो हम बता देते हैं, आपको शायद आइडिया नहीं हो। नॉर्मल आप जब गाय का दूध लेते हो ना, जो आप मदर डेयरी का पीते हो, या फिर आपके घर पर जो गाय का दूध देने आता हो, कहता है बहुत बढ़िया दूध है, उसमें बच्चा फैट जो होता है ना, वो मैक्सिमम आपका करीब 4 से लेकर 4.5% तक होता है मैक्सिमम गाय के दूध में। और इस मुर्रा का जो आपका फैट है ना, फैट आपका 7% होता है। अब सोच लीजिए कि गाय के दूध में 4.5% सबसे अच्छा वाला दूध, और यहां पर आपको 7% मिल रहा है फैट, इसका मतलब है कि अगर आप इसमें घी निकालोगे तो 10 किलो में अगर इसमें 1 किलो घी निकलेगा, तो इसमें 5 किलो दूध में भी करीब करीब 1 किलो घी निकल जाएगा, 5 नहीं, हाँ इसमें 10 किलो दूध लेना पड़ेगा, इसमें 5 किलो दूध ही। दूसरी बात, अगर इसमें आप आधा पानी भी मिला देते हो ना, तो भी एक गाय के दूध के बराबर फैट को मेंटेन करता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि मुर्रा कितना बढ़िया ब्रीड है, तभी तो एक भैंस की कीमत 5-5 लाख रुपए होती है, एक ब्रीड की कीमत होती है बच्चा 5-5 लाख रुपए। क्लियर? फिर आता मेहसाना, दिस इज ए ब्रीड ऑफ गुजरात स्पेशली फ्रॉम द बडोदरा एंड मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, इट इज क्रॉस बिटवीन मुर्रा एंड सुरती, यूजुअली ब्लैक एंड ग्रे, देयर मिल्क प्रोडक्शन इज अबाउट 1200 to 2500 लीटर। थोड़ा सा फर्क देख लो, इसका मिनिमम जो है 1800 लीटर है, और इसका मिनिमम जो है 1200 लीटर, और मैक्सिमम आपका 2500 लीटर है। They are known for the giving milk at comparatively earlier age with the regular breeding interval. The bullock, he buffalo average weight 570 kilogram. तो कहता है मुर्रा और मेहसाना में क्या फर्क है भाई? तो जो मुर्रा होता है बच्चा, वो मुर्रा जो है उसमें थोड़ा सा समय लगता है दूध देने में, पर मेहसाना जो है समय से पहले दूध देना शुरू कर देता है, comparatively मुर्रा।
अगर हम लोग मुर्रा से कंपैरिजन करते हैं तो मुर्रा अगर मान लो 2 साल में दूध देना शुरू करता है, तो मेहसाना आपका 1.5 साल में ही दूध देना शुरू कर देता है। सुरती की बात करें तो सुरती जो है दैट इज दिस ब्रीड ऑफ बुफेलो इज नेटिव ऑफ कैरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ब्लैक और ब्राउन आइज प्रोमिनेंट हॉर्न्स आर सिकल्ड शेप। देयर एवरेज मिल्क एल्डिंग इज 1600 to 1800 लीटर। सुरती का थोड़ा सा कम है। द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क और बॉप ट्रिपर। अब देखो हर किसी का कुछ ना कुछ कैरेक्टर है। देखो सुरती का अगर देखोगे कैरेक्टर तो फैट देखो 8 to 12% है फैट। सोच लीजिए जिसमें जितना ज्यादा फैट वो दूध उतना ज्यादा गाढ़ा। जिसमें जितना ज्यादा फैट वो दूध उतना ज्यादा डेंस होगा, गाढ़ा होगा और उतना ज्यादा उसमें टेस्ट मिलेगा आपको। अब सोच लीजिए इसमें 8 to 12% फैट होता है। मतलब क्या हुआ भाई कि 10 लीटर दूध में सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर दूध में आप 1 लीटर घी निकाल सकते हो। बाकी जिसका 4% है उसमें आपको 25 लीटर दूध लेना पड़ेगा तब जाकर आपका 1 लीटर दूध घी निकलेगा। इतना ज्यादा फर्क है। क्लियर हुआ क्या? तो हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर है। जिसका दूध ज्यादा उसका फैट लेवल कम होगा, जिसका दूध कम है उसका फैट लेवल ज्यादा है। 3 इंपॉर्टेंट प्रजाति है भाई, हाइब्रिड है मुर्रा, मेहसाना एंड सुरती। इन तीनों में सबसे ज्यादा दूध देता है मुर्रा, फिर मेहसाना, फिर सुरती। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका इसका फैट लेवल होता है दैट इज इन सुरती। क्वालिटी ऑफ बुफेलो मिल्क की बात करूं तो देखो बुफेलो मिल्क में क्या क्या होता है भाई, कंपैरिजन करके आप देख लो न्यूट्रिशन वैल्यू का। अगर आप काउ का मिल्क लेते हो तो उसमें फैट 3.6% होता है, देख लीजिए फर्क। अगर आप गाय के दूध लेते हो तो उसमें फैट कितना होता है, ओनली 3.6% होता है। प्रोटीन होता है 4%, शुगर होता है 4.5%, मिनरल होता है 0.7, वाटर होता है 87 और ये सब विटामिन होते हैं B1, B2, B12, D and E, है ना। वहीं अगर हम अंडा लेते हैं तो अंडा में 12% फैट होता है और प्रोटीन 13%। मतलब इसमें फैट भी है और प्रोटीन भी है। आप जब अंडा का देखे होगे तो अंडा में आपका बीच में होता है येलो कलर का एक पार्ट दैट इज कॉल्ड योल्क। ये जो होता है बच्चा ये फैट होता है। ये जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, फैट होता है। उसको खाने पर मोटापा बढ़ेगा। और ये जो साइड में होता है ना व्हाइट कलर का, ये प्रोटीन होता है। मतलब एक अंडे में आपका फैट भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिल रहा है। इसलिए लोग कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडा के बिना गुजारा नहीं चलने वाला। पर ये ध्यान रखना वो अंडा अगर देसी मुर्गी का हो तो फिर ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो बाकी तो आलू मिल जाता आपको, है ना। बाकी मिनरल भी आपका 1%, वाटर कम होता है, विटामिन में B2 and D होता है। मीट की बात करें तो 3.6% फैट होता है और प्रोटीन 21% होता है। मछली की बात करें तो फैट आपका 2.5% और प्रोटीन 19% होता है। मिनरल आपका 1.3% होता है ना, नियासिन डी और ये अलग अलग विटामिन। इसका मतलब क्या मिला भाई, इससे निष्कर्ष यही निकला कि दूध पीना जरूरी नहीं है। दूध पीना जरूरी नहीं है अगर आप अंडा मांस और मछली खाते हैं तो। अगर आप अंडा मांस और मछली खाते हैं तो आपको दूध पीना जरूरी नहीं है। तो नॉर्मली आपको वेज और नॉन वेज लोग होते हैं ना, तो जो वेज लोग हैं वो तो अंडा खा ही नहीं सकते, ना मांस खा सकते हैं, ना मीट खा सकते हैं, तो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड रहेगा ना, दैट इज मिल्क। अब कहता है ब्रीड इंप्रूवमेंट फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, है ना। तो देखो एक और मैटर करता है कि हाउ मेनी डेज मिल्क
प्रोड्यूस इन ए ईयर, मतलब यही कि जो गाय है वो गाय एक साल में मतलब 365 डेज में कितने दिन के लिए दूध देती है, 365 डेज में कितने समय के लिए दूध देती है, मतलब ये है। तो कितने समय, जितना ज़्यादा समय के लिए दूध देगी उतना बढ़िया ब्रीड होगा ना, क्योंकि दूध ही नहीं देगी तो फिर गाय काहे का। जैसे कि नॉर्मली आप जो जो गांव वाला गाय जो देखते हो देहाती गाय, वो आपका साल में मुश्किल से 100 दिन दूध देती है, बाकी 265 दिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रहती है, 100 दिन 150 दिन मैक्सिमम है ना। अब बात यहाँ पर आती है कि जो हम लोग हाइब्रिड लेते हैं, जो आपका काऊ होता है उसका दूध देने का जो डेज होता है वो कितने दिन का होता है, बच्चा देख लो कितनी बड़ी बात है। जो आपका था मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स ऑन देयर लोकेशन, पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ ए यंग एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन पीरियड ऑफ सब इंडिजियस ब्रीड ऑफ काऊ एज फेलो, रेड सिंधी 231 से लेकर 345 दिन तक दूध दे सकती है। जो रेड सिंधी आपका है वो 231 से लेकर 345 डेज तक दूध दे सकती है ना, ये इसका कैरेक्टर है। साहिवाल जो है वो आपका 184 से लेकर 354 डेज तक दूध दे सकती है, और जो गिर है आपका 1 मिनट बच्चा देखने दो ये क्या चीज बोल रहा है। अच्छा ये बच्चा नेक्स्ट प्रेगनेंसी का डेज बता रहा है, ठीक है ना, ये आपका नेक्स्ट 184 से लेकर 354 दिन का उसका प्रेगनेंसी डेट रेंज है। प्रेगनेंसी रेंज का मतलब जैसे मान लो एक बच्चा अगर अभी दिया, अगर एक बच्चा अभी देता है तो नेक्स्ट बच्चा के बीच में गैप जो है ना 354 डेज तक हो सकता है, और ये गैप जितना ज़्यादा रहेगा उतना दिन तक वो दूध देगा। जो गिर है वो आपका 230 से लेकर 394 डेज तक का गैप रख सकता है, मतलब दूध देने की उसकी कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगी। कहता मिल्क प्रोड्यूसिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लोकेशन लैक्टेशन पीरियड, फॉर अचीविंग दिस टारगेट द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैज यूज्ड, है ना। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाता है कि किसका कितना समय तक दूध देने की कैपेसिटी है, जितना समय तक दूध देगा उतना बढ़िया कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे भैंस के बारे में, साहिवाल का देख लीजिए आप कि साहिवाल जो है आपका एवरेज मिल्क प्रोड्यूस करता है 2800 लीटर पर मंथ, ठीक है ना। और फेरिसबाल आपका 5000 लीटर, और होलेस्टन फेरिस्टन आपका 16000 लीटर प्रोडक्शन करता है, 16000 लीटर। ये आपका विदेशी ब्रांड है जो इंडिया में नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका लैक्टेशन पीरियड मतलब दूध देने का जो पीरियड है साहिवाल का 300 दिन तक हो सकता है, फेरिसवाल का 326 दिन का हो सकता है, और होलिस्टर फेलिस्टन अगर ये ब्रीड नहीं करता बच्चा 365 मैंने सालों दूध दे सकता है। सोच लीजिए एक साल तक कंटिन्यू दूध दे सकता है, कितना बढ़िया होलिस्टर फेरिस्टन आपका ब्रीड है ना। और जितना दिन तक दूध देगा उतना बढ़िया ब्रीड कहलाएगा। अब आते हैं यहाँ पर कुछ एग्जॉटिक बाहर के ब्रीड की बात कर लें। जर्सी, जर्सी नाम का अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं, ये इंग्लिश चैनल का है। जर्सी जो है आपका इंग्लैंड का ब्रीड है जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चलन में है। होलस्टेन फ्रेस्टन जो है वो आपका होलैंड का ब्रीड है, और ब्राउन स्विस जो है आपका स्विट्जरलैंड का ब्रीड है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका करन स्विस है जो कि आपका ब्राउन स्विस और साहिवाल का ब्रीड कराया गया है। ब्राउन स्विस और साहिवाल का ब्रीड करके बनाया है करन स्विस।
करन फ्राइज बनाया गया है और फेरिस बाल बनाया गया, जो कि इंडिया में आपका ब्रीड चलता है ना। ये सब नॉर्मली टेक्निक दिया हुआ है कि हम लोग ब्रीड कैसे करवाते हैं। एक आपका प्रिकॉशंस फॉर द, ये अलग अलग दिया हुआ है, आपके बुक में नहीं होगा कि हम लोग ब्रीड कराने के समय क्या प्रिकॉशन रखें। तो ये तो आपको पता ही है भाई कि ब्रीड कराने के समय में ये प्रिकॉशन रखना होता है कि जो भी आपका मेल होता है वो मेल आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। जो मेल होता है, मेल मस्ट बी वेरी हेल्दी, है ना। अब आ गए हम लोग फार्म मैनेजमेंट, कितना लंबा चैप्टर हो गया। व्हाट इज रफेज, रफेज के बारे में बताओ। व्हाट इज रफेज, रफेज क्या होता है जल्दी से, रफेज क्या होता है जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज रफेज, व्हाट इज रफेज, नहीं पता। देखो रफेज का मतलब क्या होता है, आप जब अपने घर में आटा लाते हो तो आटा लाने के बाद चलनी से चालते हो कि दिया रफेज फॉर्म्स बल्क ऑफ कैटल फूड। अरे वो तो ठीक है, फिर रफेज है क्या, रफेज क्या है। तो देखो अब बताते हैं, जब आप आटा लाते हो तो आटा को चलनी से चालते हो, चालने के बाद आपको कुछ ऐसा पाउडर टाइप का मिलता होगा जिसको चोकर कहते, यही तो रफेज है। रफेज हमारे लिए जरूरी है क्या, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, हमारे लिए रफेज जरूरी है क्या, जल्दी बताओ यस और नो, हमारे लिए रफेज जरूरी है क्या, नो। हमारे लिए रफेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रफेज नहीं होगा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं बच्चा, आटा और मैदा दोनों में क्या फर्क है भाई, आटा और मैदा, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे, आटा की मैदा, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आटा या मैदा। आटा या मैदा दोनों में से क्या खाना पसंद करते हैं, आटा। वाई आटा वाई नॉट मैदा, क्योंकि मैदा का रोटी तो बहुत सुंदर भी होता है, एकदम सुंदर ब्यूटीफुल, फिर भी हम लोग आटा का रोटी जो देखने में बेकार लगता है, क्यों, क्योंकि आटा में रफेज होता है ना, और मैदा में 0% रफेज होता है, 0%। तो अगर हम लोग, रफेज हमारे लिए जरूरी नहीं होता तो फिर हम मैदा खा रहे होते, आटा क्यों खाएंगे भाई। पर इसलिए आटा खाते हैं क्योंकि उसमें रफेज होता है, और रफेज खाने का मतलब क्या है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। रफेज का काम होता है आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उस सिस्टम को मेंटेन रखना। जो आदमी सिर्फ और सिर्फ मैदा खाएगा उनके साथ कॉन्स्टिपेशन का हमेशा दिक्कत रहेगा, है ना। तो रफेज आपके पेट को हमेशा क्लीन रखता है। ये सब गोल का जो भुस्सी खाते हैं हम लोग, दैट इज रफेज, ये सब गोल का जो भुस्सी हम लोग खाते हैं वो भी आपका रफेज ही होता है ना। तो ये अलग अलग है, कुछ ज्यादा ही डिटेल में दे दिया भाई मेरे बुक में। अब से जो पढ़ाएंगे वो आपका एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। कैटल में देखो कुछ बीमारी होता है, बीमारी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे काउ पॉक्स, रिंडर पेस्ट, फूट एंड माउथ। ये आपका फूट एंड माउथ मतलब पैर, जो उसका खूड़ होता है ना नीचे में, उसमें ये देखिए
है ना, इसके पैर में बीमारी हो जाता है जिसके कारण ये पैर नीचे नहीं रख पाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो फ्लीज होता है, वो फ्लीज जो है उनका खून चूसता रहता है ना, अलग अलग, रेबीज हो गया, डर्मिटाइटिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ब्लैक वाटर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये अलग अलग बैक्टीरियल डिजीज होता रहता है कैटल के अंदर भी, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है हम लोग को। वायरल डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज हो गया और फंगल डिजीज हो गया। वायरल में आपका रेबीज हो गया, काउपॉक्स हो गया, इंसेफलाइटिस हो गया। बैक्टीरियल में एंथ्रेक्स हो गया, बहुत खराब डिजीज है एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ब्रुसेलियोसिस हो गया, और फंगल में आपका एक्टिनोमिकोसिस हो गया, एस्परजिलोसिस हो गया, है ना। तो अलग अलग बीमारी, अलग अलग बीमारी होता है भाई। अगले बार से इस बुक को नहीं पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे बुक से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आ गया हम लोग का पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी, मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है भाई, तो यहाँ पर आपको मांस मिलता है और अंडा मिलता है। तो लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, ये दो कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। लेयर्स आर एग लेइंग बर्ड्स, जो भी आपका अंडा देती है ना, जिसका पालन हम सिर्फ और सिर्फ अंडा के लिए करते हैं, उसको कहते हैं लेयर्स। तो एग लेइंग एनिमल्स इज कॉल्ड लेयर्स, ठीक है ना। और ब्रॉयलर्स उसको कहते हैं जिसका मीट के लिए यूज किया जाता है, जिसका मीट के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग ब्रॉयलर्स कहते हैं, और जिसका अंडा के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग एग लेयरिंग कहते हैं ना। ये अलग अलग ब्रीड हो गया, ये देखिए अलग अलग ब्रीड हो गया मुर्गा का। ये एग्जॉटिक ब्रीड है, मतलब बाहर का ब्रीड है, और ये आपका इंडियन ब्रीड है। हमारे यहाँ इसी तरह का मुर्गी मिलेगी। वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं भाई, कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो आपको पता है कि मार्केट में व्हाइट मुर्गी है, वो आपका वो इम्प्रूवमेंट ऑफ वैरायटी ही है। जो व्हाइट कलर की मुर्गी है उसका अंडा और एक दोनों के लिए प्रोड्यूस किया, दे आर टू बेसिक टारगेट पॉल्ट्री, एक ऑप्टेनिंग मोर एंड मोर एग्स और दूसरा गेटिंग फ्लेश, मांस के लिए, है ना। कथा टू डेवलप न्यू वेराइटीज और टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ चिकेन्स विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड। एक एग नंबर, कितना ज्यादा मुर्गी अंडा देती है। एक सेक्सुअल मेच्योरिटी, कितने समय में अंडा देने लायक होती है, और अंडा का वेट कितना है, उसका बॉडी का वेट कितना है, खाने की कैपेसिटी कितना है, अंडा का साइज कितना है, अंडा का शेप कैसा है, शेल का कलर कैसा है, और सेल का क्वालिटी कैसा है, ये इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग कैसा है, इन सब के ऊपर डिपेंड होने के बाद ही किसी भी अंडा का कॉस्ट होता है। तभी आप देखोगे जो आपका देसी मुर्गी का अंडा होता है, देसी मुर्गी का अंडा बहुत महंगा बिकता है, और जो आपका नॉर्मल जो वाइट कलर का होता है उसका प्राइस आपका कम होता है ना। ये आपका मुर्गी ही हो गया। यहाँ पे कुछ डिजीज दिया हुआ है जिसमें आपका फॉल पॉक्स, फॉल कोलेरा, पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कहाँ बोर सब्जेक्ट में फंस गए, पर करना तो है बच्चा, बिना किए कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। हम लोग कल से ये वाला खत्म कर देंगे, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कल से हम लोग शुरू करेंगे फिश प्रोडक्शन, ठीक है ना। तब तक आप लोग मैथ्स भी बनाते रहना भाई, जो मैथ्स हम दिए हैं वो मैथ्स आपको बनाना है, और साइंस पढ़ते रहिएगा, जो हम पढ़ा चुके हैं उसको पढ़ते रहना, ठीक है ना। रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिसमें डाउट आए आप चैट सेशन में डाउट भी पूछ सकते हो, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू, गुड डे, पढ़ते रहो।